डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक और बीसीएन न्यूज चैनल लगभग 11 सालों से वुमन अचीवर अवार्ड करते आ रहे हैं। गत वर्ष से यह अवार्ड 24 स्टार ब्राइट क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। अभी तक यह अवार्ड आइकॉन ऑफ विदर्भ के नाम से दिया जाता था, वह अब आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया 2024 के नाम से दिया जाएगा, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहाँ डॉक्टर ऋचा जैन द्वारा जानकारी दी गई। इस समय डॉक्टर ऋचा जैन ने बताया कि इस वर्ष की खास बात यह है कि इस वर्ष का आयोजन आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया 2024 के लिए किया जा रहा है। इसके एसोसिएट पार्टनर सिंघानिया ड्राई फूड और यूनिक हेल्थ एवं ब्यूटी मॉल है, जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश से प्रतिभावान महिलाओं की 11 कैटेगरी में नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें व्यवसाय, जन स्वास्थ्य जागृति, समाज सेवा, सांस्कृतिक कला, क्रीड़ा, शौर्यता, फीमेल मिस एवं मिसेस इंडिया, अध्यात्म, आजीवन अचीवमेंट, साथ ही एक अवार्ड कम्युनिटी द्वारा महिला संगठनों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही इस वर्ष दो नए अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें राइजिंग स्टार अवार्ड 8 साल तक की उम्र की बालिकाओं के लिए है, साथ ही अंडर 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए यंग प्रोफेशनल अवार्ड दिए जाएंगे। इन सभी अवार्ड में नामांकन करने के लिए डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक, रहाटी कॉलोनी एवं टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वेयर अथवा 24 स्टार प्राइड क्लब, साथ ही इन बीसीएन न्यूज चैनल इनसे संपर्क करके गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जहां नामांकनकर्ताओं को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। साथ ही अपने भरे हुए फॉर्म में स्वयं के कामों का 100 शब्दों में संक्षिप्त विवरण, साथ ही अपने सर्टिफिकेट, फोटो एवं संपूर्ण प्रतिलिपि की फाइल 28 मार्च तक सबमिट करना होगा, जिसके अनुरूप आगामी 7 अप्रैल को होने वाले शंकर नगर स्थित साई सभागृह में यह अवार्ड दिए जाएंगे, जो प्रतिक्रम से हर कैटेगरी एवं संगठन अवार्ड को मिलाकर कुल 14 अवार्ड वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पत्र परिषद में 24 स्टार प्राइड क्लब की प्रेसिडेंट एवं डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन, महामंत्री इमरान शेख, उपाध्यक्ष पूनम गोयल एवं डायरेक्टर राजकुमार जैन, कविता सिंघानिया, विजय वर्मा, अमित अग्रवाल, डॉक्टर खुशी जैन एवं सभी डायरेक्टर विशेष रूप से मौजूद थे, जहाँ ऋचा जैन ने इस आयोजन के विषय में जानकारी दी। यत्र नारियंतु पूजते तत्र रमते देवता, ऐसा वेदों ने भी बोला है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो दर्शकों, 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया गया, उसी के तत्वावधान से और उसी की संकल्पना से डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक और 24th प्राइड क्लब द्वारा वुमन अचीवमेंट अवार्ड आगामी 7 अप्रैल को दिया जाने वाला है। उसके प्रारूप के विषय में आज हम चर्चा करेंगे मैडम ऋचा जैन से। मैम, किस प्रकार का प्रारूप है इस अवार्ड का और किस प्रकार से नामांकन किए जाएंगे? देखिए, अभी तक ये अवार्ड जो होता है, दैट इज द डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक 24 स्टार प्राइड क्लब इन बीसीएन न्यूज चैनल, सिंघानिया ड्राई फ्रूट, यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, इन सब की एक जॉइंट संकल्पना है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम आइकॉन ऑफ विदर्भ दे रहे थे, इन दिस ईयर वी हैव टू कनेक्टिंग आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया। और इसको नॉमिनेशन करने के लिए हमारा गूगल लिंक रहेगा, हमारे रजिस्टर फॉर्म्स रहेंगे, सभी जो भी इसको नॉमिनेट करना चाहता है उनको वो फॉर्म फिल करना है, और वो ऑनलाइन फॉर्म उनको पहले सबमिट करना है, फिर ऑफलाइन उनको कंप्लीट अपनी बायोग्राफी ऑफ 100 वर्ड्स, उन्होंने जो वर्क अभी तक इतने सालों में किया है उसका वर्क का प्रूफ, उनकी फ़ोटोज़, उनकी सारी डिटेल्स उनको हमको डालना है। इसके बाद में हार्ड कॉपी ऑफ फाइल इन बीसीएन ऑफिस, डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक या हमारे टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर या राहटे कॉलोनी स्क्वायर, वहाँ वो सबमिट कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन होगा, और देन सभी को 7 अप्रैल को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 7 अप्रैल को यदि हमारे पास जो है, दिस इज़ द 13 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है दिस इज़ द कम्युनिटी सर्विस अवार्ड, जो महिला मंडल को जाएगा। इंडिविजुअल में यदि हम बात करते हैं तो स्पोर्ट, सोशल वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, प्रोफेशन, इंटरप्रेन्योर, ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस बार यंग यूथ के लिए दो अवार्ड अपन ने आइडेंटिफाइड किए हैं, वन इज़ द राइजिंग स्टार बिलो एज ऑफ 18 एंड सेकंड इज़ द प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल अवार्ड बिलो एज ऑफ 16। तो ये सारे गर्ल्स और फीमेल अवार्ड्स हैं, तो इसका नॉमिनेशन करके डेफिनेटली आप अपने आप को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। पिछले 11 साल से जो है रिचाज यूनिक क्लिनिक द्वारा ये जो अवार्ड दिया जा रहा था, क्या नया है इसमें, क्या नया देने की कोशिश की जा रही है 24 प्राइड क्लब आने के बाद?
24 प्राइड क्लब आने के बाद जिस तरह से होता है कि एक हाथ के साथ 23 हाथ मिल जाना, दैट इज़ द थिंग्स कि आप हम ये जो अवार्ड है आप हम इस इन बी सी एन और डॉक्टर रिचाज तो सालों से दे रहे हैं, पर 24 स्टार प्राइड क्लब की संकल्प नहीं है कि इस बार इसको आइकन ऑफ सेंट्रल इंडिया किया है और ज़्यादा से ज़्यादा महिला मंडल को यहाँ बुलाना, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल ग्रुप को इन्वाइट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना, ये इस अवार्ड की खासियत है। दर्शकों, पूरा शहर जानता है, पूरा राज्य जानता है जिस प्रकार से डॉक्टर ऋचा जैन एवं मित्र मंडली हर प्रकार से जो है आध्यात्मिक एवं सामाजिक साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में जो है एक महत्व रखता है, एक जो है एक विशेषता रखता है। और उसी प्रकार से जो है आगामी 7 अप्रैल को जो वुमन अचीवमेंट अवार्ड, साथ ही साथ 2 जो विशेष अवार्ड होने वाले हैं, उसे शहर साथ ही साथ 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो वुमन्स हैं जिन्होंने की काफ़ी अचीव किया है, महिला सशक्तिकरण का एक संदेश जो है 24th प्राइड क्लब द्वारा दिया जाने वाला है। तो देखते रहिए आगामी 7 अप्रैल को दिया जाने वाला यह अवार्ड कितने लोगों के भाग्य में होता है और कितने लोगों को जो है यहाँ सम्मानित किया जाता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर। धन्यवाद।